नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी जारी, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा बोले, हिंदुत्व शब्द बीजेपी और संघ की देन, वोट बैंक के लिए हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी। मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन, 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक महोत्सव की रहेगी धूम, हर रोज नृत्य और संगीत की सजेगी महफिल है। और इंदौर में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिखी रही। देश की राजनीति में इन दिनों हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। अब हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा खड़े किए गए सवाल पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया है। विधानसभा स्थगित होने के बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हिंदुत्व शब्द भारतीय जनता पार्टी और संघ की देन है। उन्होंने कहा कि यह लोग वोट बैंक के लिए हिंदुत्व और इसके अलावा तमाम सारी बातें करते हैं। वर्मा की माने तो इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना पड़ा है कि यह देश हिंदुओं का है। छद्म हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की देन है। सिर्फ वोट के लिए हिंदू हिंदुत्व और तमाम सारी बातें ये लोग करते हैं, इसलिए राहुल गांधी को इस बात का क्लियरिफिकेशन देश की जनता के सामने देना पड़ा कि हिंदू वास्तव में देश हिंदुओं का है। हिंदुत्ववादी जो अलगाववाद फैलाते हैं, हिंदुत्ववादी हिंदू और मुसलमान करते हैं, हिंदुत्ववादी मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि कभी मोहन भागवत इन्होंने कभी इस देश के विकास के लिए कोई शब्द कहा आपने सुना? कभी उन नौजवान हाथों जो बेरोजगार से भरे पड़े इन हिंदुत्ववादी मोहन भागवत जी ने कभी ये कहा कि इन होनहार बच्चों के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए? धार की पर्यटन नगरी में 5 दिवसीय मांडू महोत्सव का आगाज 30 दिसंबर से होने वाला है, जो 3 जनवरी तक चलेगा। इसमें मशहूर कलाकारों की नृत्य और संगीत की महफिलें सजेगी। बता दें, 5 दिनों तक कई तरह के आयोजन होंगे। मांडू महोत्सव को लेकर राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पर्यटन डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि महोत्सव में हेरिटेज वॉक का आयोजन होगा, जिसमें पर्यटक मांडू के इतिहास के दर्शन कर सकेंगे, साथ ही हॉर्स ट्रोल फिशिंग का मजा भी ले सकेंगे। इसके अलावा पर्यटकों को आर्ट एंड क्राफ्ट, इंस्टाग्राम टूर और साइकिलिंग से मांडू का भ्रमण कराया जाएगा। वहीं फूड कोर्ट में चटपटे व्यंजनों का मजा भी पर्यटक ले सकेंगे। वहीं रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम होगी, तो सुबह की शुरुआत योगा से की जाएगी। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि महोत्सव न केवल राज्य की खूबियों को बयां करता है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कमाई के अवसर भी पैदा करता है। पर्यटन से संबंधित और आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, फूड, कुजीन, इनसे संबंधित लगातार 5 दिन चलेंगी। विशेष बात यह है इस बार कि मांडू उत्सव के तहत जो टेंट सिटी लगाया जाता था, वो 5 दिन ही केवल ना रह करके वो आगे भी पूरे टूरिज्म सीजन में लगा रहेगा। साथ ही साथ कई सारे अनुभव जो पर्यटकों के लिए क्रिएट किए जाते हैं मांडू उत्सव में, जैसे वहाँ का हेरिटेज टूर, साइकिल टूर, ग्रामीण अनुभव, हॉट एयर बलून, इस प्रकार के जो अनुभव हैं उनमें से कई अनुभवों को लगातार टूरिज्म सीजन में चालू किया जाएगा, रखा जाएगा, ताकि जो पर्यटक दूर दराज से आते हैं वो मांडू की सुंदरता और वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को तो देखें ही, निहारें और उसका आनंद लें। साथ ही साथ इस प्रकार के नवीन नूतन अनुभव भी वो साथ में लेकर के जाएं और मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान दें। मांडू और यहाँ के टेम्परेचर में कम से कम 4 से 5 डिग्री का अंतर होता है। निमाड़ में होने के कारण जब कल रात में यहाँ 9 डिग्री टेम्परेचर था तो मांडू में 13 डिग्री था, तो इसलिए कड़ाके की ठंड नहीं कह सकते। बहुत अच्छा और बहुत ही प्लेजेंट वहाँ पर। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। सोमवार को नामांकन भरने के अंतिम दिन इंदौर में प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किए हैं। देखने में आया कि अंतिम तारीख को देखते हुए प्रत्याशियों के साथ समर्थकों की भीड़ भी रही।
वैसे तो प्रशासन ने नम्रता और शांतिपूर्वक व्यवस्था संभाले रखी, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ढील देखने को जरूर मिली। बता दें, इस दौरान जनपद उम्मीदवार अलका पटेल भी नामांकन भरने कलेक्टर ऑफिस पहुंची और चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणवासियों की मदद का दावा किया। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं फॉर्म फिल किया है और मैं जनता के लिए खड़ा होना चाहती हूँ। मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ सच्चे मन से, जनहित के साथ। मैं चाहती हूँ कि ग्रामवासियों को जो भी परेशानी हो, मैं उनका पूरा सहयोग करूँ, सपोर्ट करूँ और उनको अच्छा उनके लिए करना चाहती हूँ। हाल ही में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है। बता दें, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए जनाब शेख अलीम को चुना है। इस खुशी के मौके पर उनके समर्थकों ने बड़वाली चौकी पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई बांटी और जश्न मनाया। शेख अलीम जी अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, सूझबूझ के धनी है। इंदौर में उनकी पत्नी ने नेता प्रतिपक्ष का एक जिम्मेदारी से निर्वाह करा है और शेख अलीम जी को जो नई जिम्मेदारी बनी है, तो उसमें हमारे पार्षद अनुमंडल स्तर शेख अंसाफ अंसारी जी और हमारे जो है रमीज खान जी हैं और हमारे जितने भी जो रमीज खान जी हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हम सब मिल के जो है साजिद भाई हैं, हमारे राजा भाई हैं, मारूफ पठान साहब हैं हमारे, हम सब मिलकर उनके सहयोग करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।